और क्या, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मस्त। आज का मौसम बहुत मज़ेदार है, मस्त है। हर्षिता क्या कर रही है ज़रा देखा जाए। ये देखिए हर्षिता, बाल गीले हैं इसके, अभी सर वॉश किया है, बहुत शाइन कर रहा है बेटा। ठीक है, और हर्षिता कर रही है पढ़ाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज तुम दिखी नहीं पीछे से एक्टिंग करती हुई। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुहावना हो रहा है। एक्चुअली मेरा मन कर रहा था शॉपिंग करने जाने का। बहुत अंधेरा हो रहा है ना, कि क्योंकि बादल छाए हुए हैं सारे में, तो बहुत अंधेरा हो रहा है। आज मेरा मूड हो रहा था शॉपिंग करने जाने का, पर सारे दिन से कह रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, पर नहीं गई। वेरी गुड, पैसे बचा लिए। एक्चुअली क्या लाना था ना, मैं जैसे वॉक करने जाती हूँ ना, तो जो मेरे पास शूज़ हैं, तो मुझे दूसरे जूते लेने हैं, शूज़ लेने हैं, जो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स और कंफर्ट फील कराएं। इनमें 2-3 साल पुराने जो जूते हो जाते हैं, तो थोड़ा सा होता ही है कि चलो अब चेंज भी कर लिए थे। थोड़ा सा मुझे मतलब वो टूटे नहीं है, आई मीन टू से टूटे नहीं है, ख़राब नहीं है, पर मेरा मन हो रहा है कि एक अच्छे वाले शूज़ में लेके आऊँ। तो आज मैंने पूरा मूड बना रखा था कि आज तो मैं कन्फर्म मार्केट जाऊंगी ही जाऊंगी, पर फिर भी नहीं गई। अभी इस समय बज रहे हैं 4:45, 4 बजे मेरा फाइनल था कि मैं निकलूंगी। जैसे ही देखा बाहर इतने तेज घटा छा के आ गई, मैंने कहा रहने दो, पता चला बाहर निकले और भीग जाएंगे, शॉप वगैरह भी खुली, कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो रहने देते। प्रोग्राम कर दिया कैंसिल, फिर किसी दिन जाएंगे, कौन सा भी जल्दू ज्यादा जरूरी है। और मुझे अपनी ये वाली नाइट ड्रेस बहुत अच्छी, वैसे तो ये नाइट ड्रेस है और मैं इसे घर पर पहनती हूँ तो ये बहुत अच्छी लुक देती है। हर्षिता मुझे कहती भी आप नाइटी वगैरह मत पहना करो, यही पहना करो, इसी टाइप के और मंगवा लो आप। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। और इस समय मैं कर क्या रही हूँ, किचन में खड़ी हूँ और चाय बना रही हूँ, और थोड़े से मंचूरियन लेके आए थे, तो ज़्यादा वो सारे खाए नहीं गए, थोड़े से बच गए थे, तो उनको गर्म कर रही हूँ और वो खाएंगे अभी। वैसे भी ऐसे मौसम में पकोड़े बनाने का मन करता है, और ये भी पकोड़े ही होते हैं। ये देखिए ये थोड़े से बच गए हैं, बस इन्हें गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ऑब्वियसली गर्म ही अच्छा लगेगा खाने में। देखिए टाइम बच गया है, 5:10 बाकी हैं। जब तक किचन में चाय बन रही है और उधर वो थोड़े से मंचूरियन गरम हो रहे हैं, तब तक मैंने सोचा एक्स्ट्रा वाला काम कर लेती हूँ अपना। तो ये कड़ी पत्ता जो है, जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर लगी हुई है, उसको मैं कह के कड़ी पत्ता मंगवा लेती हूँ, और फिर इसको धो के साफ़ करके, और जब ये ड्राई हो जाता है तब इसको कंटेनर में रख देती हूँ नैपकिन वगैरह लगा के। और ये थोड़ी सी हम नमकीन लेके आए थे जब मार्केट में ही थे उस समय, आज तो नहीं गई थी क्योंकि आज तो आपको पता है मैं जाने का विचार बना रही थी पर निकल नहीं पाई हूँ, तो आई थिंक मैं इसे एक दिन पहले लेके आई थी। तो ये कंटेनर मैंने धो के रखा था, तो इसके अंदर अभी से ट्रांसफ़र कर रही थी। ये वो वाली नमकीन है जो हाथ से हलवाई वगैरह बनाते हैं, पैकेट में नहीं आती है। पैकेट वाली के कंपेयर में ये थोड़ी सी रीज़नेबल भी पड़ती है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके कंपेयर में ये हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसका टेस्ट प्योर उसका बेसन का आता है। तो एक जगह आपने शायद देखा हो, मैंने किसी वीडियो में दिखाया होगा, वो जलेबी, इमरती और ये भुजिया बनाते हैं, तो वहाँ से लेके आई थी, वो हलवाई हैं और हमें इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ये गर्म किया इतनी देर में खाने के लिए, इतनी देर में अच्छी तेज तेज बारिश आने लगती है। सावन में बारिश ना आए तो सावन का क्या फायदा ना, सावन में ही तो लगता है कि हाँ बारिश हो रही है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है ना बेटा? सुबह से
सुबह 7 बजे से। वैसे तो कल रात से ही है। हाँ। कल क्योंकि एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ी देर दिन में लग रही थी गर्मी पर रात को नहीं जरूरत पड़ी। और आज तो मतलब ही नहीं, आज तो पंखा भी एक नंबर कम करना पड़ रहा है। शाम की चाय नाश्ता तो कर ही लिया था और उसके बाद थोड़ी देर मौसम को एंजॉय किया और फिर शाम की पूजा का टाइम हो गया। आप लोग भी यही रूटीन फॉलो करते होंगे। तो मैं अब पूजा कर रही हूँ और मैंने आपको कई वीडियोस में आजकल बताया भी है कि आजकल मेरा पूजा में बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मैं खुश फील करती हूँ जब पूजा कर रही होती हूँ। और ये मैं एक परफ्यूम लेके आई थी लेडी डायना का। बचपन में हम लोग काफ़ी इसको यूज़ किए, किस किस ने यूज़ किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहीं तक की थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी।